नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। नजर डालेंगे आज की ताजा ट्रेन खबरों पर। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ के पीछे लगी थी एफबीआई, कैलिफोर्निया में हुआ था ट्रैक जिसके बाद हुई गिरफ्तारी। रूसी सेना की बमबारी से यूक्रेन को काफी नुकसान, युद्ध में 10 से 13 हजार जवानों की गई जान। प्रदर्शनकारियों के आगे झुकी जिनपिंग सरकार, कोरोना प्रतिबंधों में ढील दिए जाने की संभावना। दिल्ली में 3 दिन रहेगा ड्राई डे, आबकार विभाग ने जारी किया ऑर्डर। बता दें कि ड्राई डे वे दिन होते हैं जब सरकार किसी खास दिन शराब की दुकानों, क्लबों, बार आदि में शराब की बिक्री पर रोक लगा देती है। जेएनयू की दीवारों पर लिखे गए जाति सूचक नारे, विवाद के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। एनआईए ने आतंकी हरप्रीत सिंह को किया गिरफ्तार, लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट के साजिशकर्ताओं में था शामिल। महिलाओं पर विवादित टिप्पणी ने बढ़ाई सपा नेता आजम खान की मुश्किलें, रामपुर में केस दर्ज। अमेरिका में पकड़ा गया सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़, पंजाब सीएम भगवंत मान ने दी जानकारी। तिहाड़ पहुंची फॉरेंसिक टीम आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट हुआ शुरू। आफ्ताब को तिहाड़ की जेल नंबर 4 में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया जहां उसका पोस्ट नार्को टेस्ट शुरू हो गया। इसरो जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पलटा केरल हाई कोर्ट का फैसला, 4 हफ्ते का दिया गया वक्त। सपा विधायक इरफान सोलंकी का कमिश्नर के सामने सरेंडर, महिला को धमकी देने और उसका घर जलाने का आरोप। गोल्डी बराड़ को जल्द भारत लाया जाएगा बोले सीएम भगवंत मान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा गुजरात कैलिफोर्निया पुलिस ने हमसे संपर्क किया है, जल्दी गोल्डी बराड़ को भारत लाया जाएगा और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, इससे बहुत से परिवार को न्याय मिलेगा। बीएसएफ ने 5 बांग्लादेशी घुसपैठे को किया गिरफ्तार, सीमा सुरक्षा बल ने बंगाल के जलपाईगुड़ी में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारत में घुसे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। जुबैन नौटियाल के फैंस के लिए बुरी खबर, सीढ़ी से गिरने के बाद सिंगर को आई गहरी चोट, अस्पताल में भर्ती। जेएनयू दीवार पर जाति सूचक नारे, दिल्ली पुलिस से शिकायत, वीसी ने मांगी रिपोर्ट, अनिल विज बोले संस्कृति पर प्रहार। कोहरे की चादर से ढका यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र में बारिश की संभावना। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, बीजेपी ने राष्ट्र विरोधी मानसिकता वाली बताया। असम रैगिंग में घायल छात्र की रीढ़ की हड्डी का हुआ ऑपरेशन, 4 और स्टूडेंट सस्पेंड। न्यूज 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 21।